पोर्टल सिस्टम अभी मैंने सबसे पहले बताया आपको कि इन पोर्टल सिस्टम हमें इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने क्या बोला, व्हेन द वेन्स ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज नॉट ओपन, जैसे अगर वो आफ्टर यूटिलाइजेशन डायरेक्ट अगर हर्ट पे ओपन नहीं होता है, इट मींस देन इट हैज टू डिवाइड टू फाइन कैपिलरीज। और जो हर्ट में ओपन होता है तो हम क्या बोलते हैं, केवल वेन्स वगैरह बोलते हैं या वेना केवा बोलते हैं। मैंने कभी लिखाया हूं आपको, वेना केवा को हम लोग क्या बोलते हैं, केवल वेन्स बोलते हैं। ये सर नो, लार्ज वेन्स क्या बोलते हैं, केवल वेन या वेना केवा। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, व्हेन द वेन्स ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज नॉट ओपन इन द केवल वेन और हर्ट बट इट डिवाइड इनटू फाइन पतले पतले छोटे ट्यूब, मतलब दैट इज इनटू कैपिलरीज एनी अदर ऑर्गन एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेन बाय अदर ऑर्गन, मतलब एक बाई पाथ समझ लो एक तरीके से एजेंट समझ के कि दूसरे के थ्रू ब्लड का अगर सर्कुलेशन उसमें हो रहा है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? समझ में आया? आया सर। हर कुछ लिखा हुआ तो बहुत कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो अपने पास पोर्टल सिस्टम तीन टाइप का होता है, आपने नाम सुना होगा। पहला है आपके पास रिनाल पोर्टल सिस्टम, नाम सुना है, रिनाल पोर्टल सिस्टम। दूसरा आपके पास है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। जरूरी नहीं कि ये तीनों हमारे पास ही पाया जाए, ठीक है ना? आपके पास एनसीटी में एक ही है तो आपके पास एक ही पाई जाती है, मतलब दो पाई जाती है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरे वाले किसी और चक्कर में। तीसरा वाला है हाइपोफाइजियल। ये हाइपोफाइजियल को अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे आने वाला है, आगे मतलब नेक्स्ट एंडोक्राइन चैप्टर में आएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? रिनाल का मतलब होता है किडनी, क्लियर है? हेपेटिक मतलब होता है लीवर। तो इसका मतलब ह्यूमन पे जो पाया जाएगा वो कौन सा था, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एज वेल एज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कोई दिक्कत है? देखो ये जो आपके पास रिनाल पोर्टल सिस्टम है ना, ये अच्छी तरीके से दे आर वेल डेवलपिंग फिशेज, क्लियर है? मैमल्स में ही एब्सेंट होती है, कौन ये रिनाल पोर्टल सिस्टम। कोई दिक्कत है बताओ? उसमें पहला पॉइंट आप बना के लिखेगा वेल डेवलप्ड इन फिशेज, वेल डेवलप्ड इन फिशेज, अब्सेंट इन मैमल्स, अब्सेंट इन मैमल्स। क्योंकि जो किडनी में आया था वो रिनाल आर्टरी से आया था, थ्रू रिनाल वेन वो डायरेक्ट हार्ट में चला गया, डायग्राम में देखा था गया। Yes? बोलो। हेलो। Yes, sir. Absent in mammals. कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। अगर फ्रॉग की बात करें, देखो फ्रॉग का ना बहुत जगह स्पेशल किया जाता है, तो फ्रॉग ऐसा है जहां पर उनके पास रिनाल सिस्टम भी होता है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। कोई दिक्कत? इसमें लिखेगा इन फ्रॉग, इन फ्रॉग तो आरपीएस, आरपीएस का मतलब, अरे रिनाल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होती है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इन रिनाल पोर्टल सिस्टम और वी कैन से इन रिनाल पोर्टल सर्कुलेशन व्हाट हैपनिंग इज दैट कि बेसिकली इन रिनाल पोर्टल सिस्टम द वेन्स विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग लाइक फिशेज एंड द लेग्स दैट कंबाइन्स टू फॉर्म अ रिनाल पोर्टल सिस्टम देन इट गोज टू किडनी
उनके जो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा फिर उसके पास जाएगा, देन फिर इट गोज टू द किडनी, देन आफ्टर दैट इट डिवाइड इनटू फाइन कैपिलरीज, देन इट सेपरेट द नाइट्रोजन एंड वेस्ट. उनके पास हार्ट वगैरह तो होता नहीं है. अरे होता है क्या? अरे बोलो ना. अरे इस तरीके का हार्ट होता है जो ह्यूमंस के पास है? यस और नो? तो फिर वहां से जाके इनका गंदगी को, इनके वेस्ट को सेपरेट किया जाता है, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसके ब्लड में मिलता है. और ब्लड के थ्रू ही तो सारे का सारा नाइट्रोजन वेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू किडनी एंड डिफरेंट पार्ट्स. यस और नो? मैमल्स में ये रिनल सिस्टम प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि रिनल मैमल्स का अलग सिस्टम है. क्लियर है? रिनल आर्टरी है तो रिनल वेन भी है. कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं HPS, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. कोई दिक्कत है बताओ? इन दिस पोर्टल सिस्टम इट ब्रिंग्स द वेनस ब्लड कहां से? फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ध्यान रखना, इट ब्रिंग्स वेनस ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम, ध्यान रहे ये सवाल पूछा था कहां कहां से ब्लड कैरी करता है, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्प्लीन पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर टू लीवर. काम क्या होता है, क्यों लाता है? कुछ ना कुछ वजह होगा, क्योंकि जो ब्लड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा उन सब चीज को वापस लेने के लिए. अगर इस तरीके से अगर वापस वो ना ले, इसका मतलब सारा का सारा बाहर चला जाएगा. ये सर नो, वो YouTube वाला सारा का सारा की बात नहीं कर रहा मैं ना, समझ रहे हो? सारे के सारे न्यूट्रिएंट और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होगा मिनरल्स वगैरह वो सब के सब पास आउट हो जाएगा, इसलिए लीवर के थ्रू आता है, इसलिए उसको फिल्टर करने के लिए. क्लियर है? For extraction of nutrients and other metabolites. Clear है? आगे बढ़ो. Should I move to next? Second, sir. हो गया सर. अब वो जो दो लार्ज मॉलिक्यूल्स वहां से इंटेस्टाइन से जो भी आपके पास आया था, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आया था, अब वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे. अब इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि इतना इतना छोटा एटलीस्ट तो करना पड़ेगा ना उसको, कि दैट इट हैज टू पास थ्रू जो उनके पास स्पेसेस हैं कैपिलरीज के, जो भी उनका एपिथेलियम है, जो भी उन कैपिलरीज का जो सेल की साइज है, जो पोर्स है, उनके थ्रू उसको पास करना पड़ेगा. Yes? Is it clear? Yes, sir. By breaking into single cell thick capillaries. And sinusoids. What do you mean by sinusoids? Anyone?
दीज आर द कैपिलरीज, क्लियर। अच्छा एक बात और है, जैसे हम लोगों ने अलग अलग सेल्स के बारे में बात किया था ना, तो स्पेस विद इन सेल, तो व्हाट वी कॉल देम, स्पेस विद इन सेल व्हाट वी कॉल देम, नो वन, so basically the space within the cell is known as intracellular space, and in between the cell, अलग अलग सेल के बीच में जो स्पेस होती है उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। वैसे ही मान लो जो आपके पास लार्ज ब्लड वेसल्स है इनमें कुछ फाइन कैपिलरीज भी होगी, तो इनके बीच में जो स्पेस होती है ना इनको बोलते हैं साइनसॉइड, व्हाट वी कॉल देम, साइनसॉइड। इसमें जो कुछ भी कर रहे हो तो दैट वी कॉल देम साइनसॉइड, इज इट क्लियर। द ट्यूबुलर स्पेस इन बिटवीन द कैपिलरीज, That is the sinusoid. कोई दिक्कत? और ये सारे के सारे मेमस में प्रेजेंट होता है, क्लियर है? Yes. मैं लिखेगा प्रेजेंट इन ऑल मेमस, एग्जाम्पल मैं लिखी ऑल मेमस। ठीक है, जो तीसरा आपको आता है दैट इज हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस और एंटेरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोनों के बीच में कनेक्शन होती है, क्लियर है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। बेसिकली वहां पर भी तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा, यस और नो? So these are the kind of portal system from which the blood is carried, or we can say this kind of portal system is formed by veins that from hypothalamus which break into fine capillaries, then into the that it opens into the antecdote। जो आपका pituitary gland है इनके दो part है, जो आगे वाले ग्लैंड है मतलब अगर मैं अपने साथ बात करूं, जो अपना एंटीरियर पोर्शन पे है तो हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पोस्टीरियर पोर्शन पे है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू उसके कंट्रोल में, क्लियर है। इसमें लिखिएगा इट इज अ पोर्टल सिस्टम फॉर्म्ड बाय अ वेन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, यस, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आफ्टर दैट विच ब्रेक्स इनटू और डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज, इन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर, yes, anterior lobe of pituitary gland, और pituitary gland को master gland भी बोलते हैं, और anterior gland को बोलते हैं, anterior pituitary gland को बोलते हैं adenohypophysis, नाम सुना है adenohypophysis। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्यों कि डायरेक्ट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, इज इट क्लियर,
और इसी सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बोलते हैं। क्लियर है? मतलब सिस्टम को बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और जो ये वेन्स है ना, ये जो वेन्स है इनको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। क्लियर है? जो उसके थ्रू वो रेगुलेट होता है द ब्रेन से वगैरह, ठीक है। और ध्यान रहे जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फिर हम लोग को एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे। दिस हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोलो ना। यस सर। और ये अपने ही हॉर्मोन के थ्रू एडिनो हाइपोफाइज को रेगुलेट करता है, और न्यूरो हाइपोफाइज मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इसके डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट साइक्लोस्टोम्स एंड टीलोस्टोम्स। Except cyclostomes and telostomes. कितना याद रहेगा? बोलो। हेलो। हाँ सर।